بعدها سي بعد जय हिंद एवरीवन। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए और मैं पब्लिसिटी के वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा कोई ना सोचिएगा, अगर कोई ऐसा सोचते हो तो प्लीज़ मेरे को अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर जो मन करे वही कर दीजिए। मैं शॉर्टकट में बता दूंगा क्योंकि मेरा ट्रेन का भी टाइम होने वाला है और मुझे दोस्तों अभी मैंने जिनको खाना दिया है उनका उम्र काफ़ी ज़्यादा है और मैं ऐसे हर बार मैं जब भी शहर में आता हूँ तब भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जितना मेरे तरफ से होता है मैं उतना मदद करता हूँ, जितना मुझे होता है मैं उतना करता हूँ। देखो आप लोगों को पता है मेरा भी इतना हालात इतना सही नहीं है, पर मेरी बस की जितना होता है मैं उतना ही मदद करता हूँ। लेकिन मैं अगर ऐसा वीडियो बनाता तो महीने में 15-10 वीडियो मेरा ऐसे ही आ जाता, लेकिन मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता। अगर किसी को मदद करते हो तो डायस से करो, बायत को पता लगना नहीं चाहिए। तो आज के मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ये जहाँ पे बैठ के लोगों को पैसा मांगते हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी सारे अमीर अमीर लोग निकलते हैं, यहाँ तक कि पैसों के लिए उनके पैर तक पकड़ जाते हैं, लेकिन साला कोई मुड़के भी नहीं देखता है कि कौन पैर पकड़ रहा है, किस लिए पकड़ रहा है, साला कोई मुड़के भी नहीं देखता है। 2 रुपये देने की बात तो छोड़ो, उल्ट बल्कि उनको कुछ सुना देते हैं, गालियाँ भी देते हैं। मैंने देखा है, अपने आँखों से देखा है, अपने कानों से भी सुना है, गालियाँ देते हैं। 10 रुपये देने की औकात नहीं है लेकिन गालियाँ जरूर सुनाते हैं। तो मैंने उनके पास गया आज, जाके बोला आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, या मैंने कुछ पैसा भी दिया है, फिर उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए चाहिए लेकिन कुछ नरम चीज़ लाना खाने के लिए क्योंकि उनका उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो रोटी वोटी नहीं खा सकते। तो मैंने चावल लाया उनके लिए और चावल मैंने उनको दिया है तो बहुत ज़्यादा खुश हुए है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जब भी आप लोग ऐसा लोग मिलते हैं प्लीज़ उनको थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा, जो भी जितना हो सके 5-10 रुपये जितना हो सके मदद कर दीजिएगा, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर भरोसा करके बैठते हैं कि जरूर उनको कोई देगा तो उनका पेट चलेगा। ये नहीं कि अगर आपका 10-20 रुपये से कोई बड़े बड़े बिल्डिंग बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 10-20 रुपये से उनका पेट चलता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जरूर मदद करिएगा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। अगर ऐसा मैं आप अगर पब्लिसिटी के लिए अगर ऐसा होता ना तो महीने में मेरा 10-15 वीडियो आ जाता, क्योंकि मैं महीने में जब भी शहर में जाता हूँ तब भी मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा मदद करता हूँ। अगर ऐसा करता तो वीडियो मेरा महीने में 10-15 वीडियो मेरा ऐसे ही आ जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। डायस से मदद करो, बायत को पता लगना नहीं चाहिए। और अगर आप सबकी बायों की दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, अगर ऊपर वाले ने मुझे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कुछ बना दे तो मैं जरूर ऐसे लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। बस आप सबकी दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अगर कुछ भाई लोग गलत सोचते हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ बात नहीं है आप लोगों को सही समझने के लिए। बात यह है कि अगर ऐसा कुछ लोग मिलते हैं तो जरूर मदद करिएगा, मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते हो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें, और मेरा ट्रेन का भी टाइम हो गया है तो मैं जल्दबाजी में हूँ, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।